भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और आज जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन में जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस ने, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जिस तरह से काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 5 जिले हमारे 100% वैक्सीनेट हो गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते भर में 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इसको भी समय सीमा के भीतर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो जाए इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी 70% वैक्सीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है और कहा कि जल्द ही बाकी भी उपलब्ध कराएंगे। कल देश भर में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है या इन्फेक्शन बढ़ा है उसको लेकर के कल हमने रिव्यू किया था और अपनी तैयारी हम मुकम्मल रख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि हम इस खतरे से बचे हुए हैं। हर कोशिश हम करेंगे कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा हम प्रदान कर सकें।